तैरना किस किस को आता है यार? आता है कि नहीं किसी? मैं तो भोपाल ने कर जाऊँ। भोपाल ने कर जाऊँ? अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? ठाकुर जी। ठाकुर जी? अरे राम राम ठाकुर जी। सीताराम गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीता। जब भी आए आप ये देखिए हमारा हिंदुस्तान है। नर्मदे हर माता राम। नर्मदे हर बेटा। कैसी हो? अच्छे। अच्छे हो? अच्छे। स्नान हो गो? हाँ होगा। भोजन? भोजन नहीं भैया, भोजन करो है? हाँ कर रहे हैं बेटा। कहाँ? जब भी आप अपने काम से बोर हो जाएं, जब भी आपको अपना काम जो है वो एक उलझन लगने लगे, जाहिर सी बात है इंसानी दिमाग जब एक ही काम को करता है शुरुआत में उसे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो उस काम में लगातार आगे बढ़ता जाता है तो थोड़ी सी बोरियत होती है, थोड़ी सी उलझनें पैदा होती हैं। लगातार चुनाव को कवर करना, वीडियोज़ बनाना, एडिट करना, लोगों की राय जानना, थोड़ा सा दिमाग को एक उबाव लगने लगा था। तो बस आज हम आ चुके हैं ये माँ नर्मदा के आंचल में। सांगाखेड़ा घाट है ये, और बड़ा अच्छा घाट लगा हमें। यहाँ आते से ही सुबह से जो दिमाग उलझनों में उबाऊ उबाऊ लग रहा था, यहाँ आते से ही बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा आते से ही। तो मैं ये आज हमारे सभी दर्शकों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप काम से पक जाएं, आपका दिमाग कहे नहीं अब मन नहीं कर रहा, तो उस वक्त कुछ ना करें, आप अपनी गाड़ी उठाएं, टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, अपने परिवार के साथ चले आएं कोई भी दर्शनीय स्थल पर, कोई भी ऐसे जगह पर जहां आप उससे पहले ना गए हों। मेरा ये विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। और यदि आप किसी से बात करते हैं इस दौरान तो जाहिर है कि जो पका हुआ दिमाग है, थका हुआ दिमाग है, वो अपने साथ साथ दूसरों को भी थकाएगा। तो खैर, मिलते हैं यहाँ पर कुछ नए लोगों के साथ। ये आप देख सकते हैं भाई साहब का, मुझे कपड़े सुखाने का स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। हम उनसे बातचीत तो नहीं करेंगे क्योंकि अपना देसी अंदाज है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, दुकानदार हैं, चलिए उनके पास हम चलेंगे, बात करेंगे। सांगाखेड़ा जो घाट है वो नर्मदा का घाट है। नर्मदापुरम ज़िले के सुहागपुर विधानसभा के ग्राम सैमरी से तकरीबन 10-15 किलोमीटर होगा। सुहागपुर से हमने देखा था तो 25 किलोमीटर दिखा रहा था, हालांकि सड़क अच्छी बन गई है तो आने में बड़ा अच्छा लगा, दिक्कत नहीं हुई। हालांकि ऐसी और भी जगह हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं और वो काफ़ी दूर हैं। एक दिन पहले अभी हम सैमरी से बाबई की तरफ गए थे तो जो रोड था वो काफ़ी गड्ढों से भरा था। निश्चित तौर पर जब सड़क बन जाती है तो इंसानों की तरक्की तो होती है, साथ ही साथ हम जैसे जो पर्यटक अनजाने होते हैं, अजनबी होते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। आज यहाँ चतुर्दशी है तो ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो ज़्यादा तो नहीं दिख रहे हमें। एक दुकान वाले भैया हैं, मिठाई बन के तैयार हो गई है। कैसी दे भैया मिठाई आपने? अस्सी रुपये पाव, मतलब 320 रुपये? 320 रुपये किलो। अच्छा, शक्कर ज़्यादा दिख रही लेकिन? नहीं, थोड़ा क्या यहाँ माँ नर्मदा के किनार पे थोड़ी मीठा ज़्यादा चलता है। हाँ, वो जब तो प्रसाद कहलाता है। अच्छा, ये तो मार्केट में फीकी मिठाई मिल रही है। अच्छा, लेकिन जो खोवा है वो शुद्ध है? वो शुद्ध है, दावे के साथ। अच्छा, लेकिन क्या बात है, ये आप राजश्री वगैरह ही बेच रहे हैं, मतलब प्रसाद तो बेच ही रहे साथ साथ? क्या पब्लिक मानती नहीं है, राजश्री मानती है, डिमांड है ना, सप्लाई ऑन द डिमांड। बिल्कुल सही बात है, दुकानदारी बढ़िया चल जाती है? हाँ, दुकानदारी बढ़िया चलती है, कभी कभी 2,000-2,500 रुपये, 1,000 रुपये भी, 200 भी, 400 भी, जितना भी आ जाए ठीक है।
अच्छा, दूसरे की मजदूरी या दूसरे की नौकरी करने से ये बेहतर है? ये बेहतर है अपना। सांगेखेड़ा गांव के? हाँ, सांगेखेड़ा गांव के प्रॉपर्ट। यहाँ पर अमूमन कब ज्यादा भीड़ रहती है? यहाँ पर रहेगी परसों के रोज सोमती अम्माउस से। अच्छा, वहाँ यहाँ पर उस दिन भीड़ रहेगी, उसके बाद में ये अभी 15 दिन बाद कार्तिक की पूनम आ रही है, बहुत बढ़िया भीड़ रहेगी, बहुत ज्यादा मेला भी लगता है। मेला भी लगेगा एक दिन का। कब कब लगता है मेला? मेला लगता है अभी ये कार्तिक की पूनम का मेला लगेगा और फिर मकर संक्रांति का लगेगा। अच्छा, फिर उधर वो नब्द जयंती का लगेगा। अच्छा, मकर संक्रांति में कितने दिन का मेला लगता है? वहाँ 3 दिन का रहता है। अच्छा, लोग आते होंगे आसपास? बहुत ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा ज्यादा जनसंख्या इकट्ठी होती है यहाँ पे। अच्छा, हम जैसे कहीं पर भी किसी दर्शनीय स्थल पर जाते हैं, विशेष तौर पर माँ नर्मदा के तट पर जाते हैं, घाटों पर जाते हैं, तो वहाँ का कुछ इतिहास रहता है, कुछ एक कहानी जुड़ी रहती है, तो यहाँ पर आपके ने कोई कहानी सुनी है कि यहाँ किसी ऋषि ने या तपस्वी ने यहाँ पर कोई तपस्या करी हो या कुछ इसका किसी मान्यता, कोई मान्यता हो यहाँ पर? ऐसी इस घाट पे तो फिर मान्यता नहीं है। अच्छा, ऊपर वाले घाट पे मदागन घाट पे मंदाकिनी गंगा की मानता है। अच्छा, तो ये सांगाखेड़ा का तट है, माँ नर्मदा का तट है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ऐसी फीलिंग आ रही है, माँ नर्मदा का तट हुआ, आंचल है ये, और एक बच्चे को कैसे इस आंचल में सुकून ना मिले, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा घाट है ये। मैं चाहूँगा कि आप जरूर आए यहाँ पर, और अब देख सकते हैं गौ माताएं हैं, उस तरफ माँ नर्मदा है और इस तरफ गौ माताएं हैं, उसके आंचल में आनंद ले रही हैं, वहाँ भी काफ़ी सारी गायें हैं, और उन दुष्टों को रोक लगाना हमें बहुत ज़रूरी है, जो इस आंचल का छलनी चीला कर वो चीर रहे हैं, छलनी कर रहे हैं इस आंचल को। देखिए ये जो रेत का अवैध उत्खनन है साहब, निश्चित तौर पर इस पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारे आने वाले जो वंशज हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उसे हम ये सौंदर्य, ये दृश्य, माँ नर्मदा का आंचल, ये सुकून कैसे दे पाएंगे? थोड़ा सा हमें स्वार्थी यहाँ पर नहीं बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सरकार हो चाहे समाज हो, सभी मिलकर हमको काम करना पड़ेगा। और ये कोई पहली वीडियो नहीं है जिसमें मैं रेत, अवैध रेत के उत्खनन की बात कर रहा हूँ, कई वीडियोस मैंने बनाई है। बहरहाल आज हम सांगाखेड़ा में आए हैं और नर्मदा तट का ये घाट है, यहाँ पर हम पूरा दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह का सौंदर्य है। आप बच्चों के साथ आ सकते हैं, स्नान करें यहाँ पर, पूजा करें और बैठ कर यहाँ पर ध्यान भी आप करें, पिकनिक स्पॉट अगर आप शौकीन है तो पिकनिक स्पॉट भी है यहाँ, बच्चों के साथ आए। अच्छा, कुछ स्थानीय भी है हमारे साथ, इनसे जानना चाहेंगे। भैया राम राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह। अच्छा जगदीश जी, कहाँ पर रहते हैं आप? यहीं सांगाखेड़ा खोर दो। सांगाखेड़ा जी। अच्छा, तो आप नर्मदा तट पर तो बचपन से आ रहे हैं? बचपन से यहाँ से, जन्म ही आई हूँ, गोद में हुआ माँ की में। अच्छा अच्छा लगता है। अरे कोई बात ही नहीं, माँ की गोद में कौन को बुरा लगे भैया। अच्छा, और कब कब भीड़ लगती है यहाँ पे? पूर्णिमा पे लगती है, मकर संक्रांति का मेला लगता है, हर पूर्णिमा अमावस पे लगती ही लगती है, 2-10 हजार आदमी स्नान करते हैं। सैमरी से कितना दूर पड़ता है ये? 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर। कोई ऋषि यहाँ पर कभी तपस्या कई हाँ ऋषि ने करी है ना तपस्या? अच्छा, कौन से? कौन से ऋषि भाई अपने यहाँ पे? अब वो तो साधु संत हैं, आते रहते हैं। 1 किलोमीटर आगे ये मतंग ऋषि ने की नहीं तपस्या गड़ारवास में, ये मदाग्नी गंगा है वहाँ पे। अच्छा, मंदाकिनी। अच्छा हाँ, सांगाखेड़ा का घाट, सांगाखेड़ा सामने ही बिल्कुल जस्ट 2 किलोमीटर ऊपर। आज की जमात भी घूम गई है 2 किलोमीटर ऊपर। गौरी शंकर महाराज की जमात भी यहाँ घूम गई है। हाँ, वो तो ऐसा शायद ही है जो सनातन का साधु हो, वो यहाँ पर ना आए हो। मंदिर है, आश्रम है यहाँ पे जी सामने, परकम्मावासी रुकते हैं 100-200 डेली, यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है गाँव से। सरकार को थोड़ा यहाँ विकास करना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार का पूरा विकास है, झूठ क्यों बोले हम? तट नहीं है यहाँ? है तट नहीं है? तट हाँ, घाट तो बना है अब, तो निर्माण होने जैसे हम पक्के, ये अब भी 64 करोड़ का हुआ साहब यहीं निर्माण। 64 करोड़? हाँ, जैसे हम जी सांगाखेड़ा मार्ग 64 करोड़ का बना, मार्ग बना है, लेकिन तट पर जैसे हम नर्मदापुरम जाएं या फिर हम जो गंगा नदी के घाट को देखें, पटा हुआ यहाँ जरूरत नहीं है, बारिश रहती है, कोई रेत है कीचड़ पानी होता नहीं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ घाट पाटने की आवश्यकता ही नहीं, 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 नहीं पाट के छोड़ा है उसको तो। अच्छा, जी नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते रास्ते, ऐसा तो हर जगह पर गंगा नदी के किनारे पर भी, अपने यहाँ माँ नर्मदा में जितने अंदर आप जाओगे उतना ही जल का गीज बढ़ेगा यहाँ, यही तो कृपा है मैया की। ये पूरा अमरकंठ का यहाँ से खम्बादी खाड़ी तक यही घाट है सांगाखेड़ा, एक प्रसिद्ध इस मामले में। अच्छा, जितने अंदर जाओगे उतना ही जल बढ़ेगा आपको जी। हाँ, कहीं ना कहीं, लेकिन जो जो महिलाएं हैं उनको वस्त्र बदलने के लिए ऐसे कोई स्थान तो बनने चाहिए। नहीं, चेंज कपड़े चेंज करने के रखे, वो रखवाए नहीं इन लोगों ने। हाँ,
रहती है, 7-8 रखे हैं, वो रखे पंचायत के व्यवस्था है, कचरे के घर रखे हैं, वो नहाने के चेंज वाले रखे हैं, वो रखे नहीं है इन्हें अभी, पूर्ण मान रखाएंगे वो। अच्छा, आप यहाँ साफ सफाई करते हैं? बिल्कुल, यहाँ जन्म से करता हूँ, 59 साल हो गए। अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आप हम इतना पूज रहे हैं और कुछ लोग अपना फायदे के लिए रेत का उत्खनन करते हैं। हाँ जी जी, सरकार की गलती है ये साहब, सब सबसे ज्यादा माँ की चीर रही है, तो ये गवर्नमेंट की, ये सामने खुद रहा है ये बुद्धि क्षेत्र में ही सीहोर में, ये सांगाखेड़ा में खुद रहा है, मतलब मामा जी की राज में। मामा जी की राज में जा, बहुत बड़ी सब मैया खोदने की। अच्छा। ये तो मिटावे को संकल्प उठाओ जी, इनमें जाओ मल्लनाथ कह रहे हैं, लेकिन वो अवैध रेत को उत्खनन होने नहीं देंगे। अरे वो कहेंगे नहीं रोक पाएंगे, घोषणा पत्र में लिखा है, लिखा जरूर है सर, मगर अमल नहीं करते, ये तो घोषणा पत्र ही है वो तो। अच्छा। इनने जितने भी घोषणा पत्र करे, कौन से अमल करे, आज तक नहीं मिला हमको लाभ। 15 बड़ी की सरकार में गौशाला बनाने की बात करी थी, गौशालाएं बनी है, कुछ बनी है, आप कह रहे हैं पालन नहीं करते, पालन तो हुआ नहीं, हुआ है पूरा नहीं हुआ, अच्छा। देश भी बड़ा है, 4 महीना ले रहे हैं संस्कार के लिए, यहाँ कोई जगह नहीं, 4 महीना बरसात में बहुत परेशानी होती है। अच्छा, वो बहुत जरूरी है, 25 गांव की मट्टियाँ आती हैं, उनका कोई विकास नहीं, घाट नहीं सर, यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है अगर सर प्रशासन की, तो सांगाखेड़ा घाट में यहाँ 10-25 गांव की अंत्येष्टि आती है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, सब गाँव में जी प्रदूषण, जी देखो आप इधर वीडियो बना के कितना प्रदूषण पड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ घाट पे काम करना, ये बहुत ही जरूरी है, ये अपनी तुम और ताकत लगाओ भैया, ये बहुत जरूरी बने सांगाखेड़ा में, यही हमारी मतलब आप मिल गए हो तो ये जरूर करवाना यार भाई, बहुत जरूरी है। हाँ, शमशान घाट तो बहुत ही अनिवार्य सांगा। अभी चुनाव चल रहे हैं, तो जो विधायक का प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनसे ये मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वो तो अपने ही आदमी है विजयपाल जी, तो उनसे अभी तक नहीं करी आपने? अभी नहीं किया है, मगर करवा नहीं रहे, वो ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, बात ये हो रही, करवा तो वो एक दिन देंगे, वो तो करवाने की कोई बात नहीं, मगर ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, ये हो रहा है, विश्वास है करवाने, विश्वास है हमको तो। अच्छा, हाँ बहुत नेक आदमी, ये बहुत आवश्यक कार है, सबसे बड़ा कर रहा हमारी वो। अच्छा, हाँ उसकी तो हम गलती कही नहीं सकते, ये काम भूल गए, ये नहीं होता है, यहाँ बलराम भैया आते हैं भोकेड़ी वाले, उनका अभियान चलता है स्वच्छता अभियान, वो सदस्य हैं इसके, और गांव के भी सफाई तो होती है, स्कूल की बच्चे आते हैं सेमरी से। अच्छा। यहाँ सफाई करने के लिए उन्हीं, प्रशासन नहीं आता, लेकिन प्रशासन कोई भी व्यवस्था नहीं, होमगार्ड आते पूनों के दिन बस वाह। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आ गई हमारी टोली, आ गई युवाओं की, तैरना किस किस को आता है, आता है कि नहीं किसी? मैं तो व्यापार ने कर जाऊँ, व्यापार ने कर जाऊँ। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? ठाकुर जी। ठाकुर जी? यस। अरे राम राम, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, का नाम तुम्हारा ठाकुर जी? यस ठाकुर जी, ये पूरा नाम का है? देवांश ठाकुर। देवांश ठाकुर, ठाकुर जी सबके थे? अच्छा, जाको नाम का? नीरज केवट। नीरज केवट, अरे क्या बात है, अरे रुक तो, रुको रुको रुको, धीरज एक मिनट, जी क्या रखा है? तुम लोग ये प्रदूषण कर रहे हो नर्मदा नदी में? दुनिया प्रदूषण कर रही है, हम नहीं कर रहे। अरे तो तुम तो यहीं रह रहे, नहीं तुम्हें तो रोकना चाहिए कि नहीं कम से कम? हाँ। ऐसे आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, सरकार करवा दी। चल जी बताओ, जी तुम शैम्पू ले जा रहे हो? हाँ। दीजिए, तुम प्रदूषण कर रहे हो नर्मदा नदी में? प्रदूषण का सब लोग तो प्रदूषण कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तुम्हें तो रोकना चाहिए, नहीं अब कल से रोक ले। ये देखो जय भी रखे जी, ये देखो, ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान क्यों नहीं है? हम मोड़ा मोड़ी। अच्छा, मोड़ा मोड़ी। हाँ। पढ़त लिखा तो नहीं? हाँ बिल्कुल। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? 10th। 10th में। अच्छा, ये देखो, ये हमारा देसी अंदाज, ये देखो बाबूजी, देखो आपने जो कच्चा है उसको सर पे ऐसे ढाक के सुखा रहे। सीताराम, सीताराम बाबूजी, सीताराम, सीताराम भजरा, सीताराम भजरा, गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम, पार्वती शिव सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हाँ। जब आप आएंगे तो आपको ऐसे ईश्वर की भक्ति में लीन कई ऐसे हमारे बुजुर्ग मिल जाएंगे, नौजवान मिल जाएंगे। बहुत अच्छा ये दृश्य होता है। शाम को आएंगे तो माँ नर्मदा की, श्री राम हमारे भगवान कृष्ण की, शंकर माँ नर्मदा की सेवा में, शंकर महादेव की सेवा में कई आपको साधु संत भक्त मिल जाएंगे और उनके आनंद का, उनकी खुशी का तो फिर क्या ही कहने। आइए दर्शन करिए माँ नर्मदा के। अब हम आपको ले चलेंगे माँ नर्मदा के पावन पतित और इस कंचन जलधारा के करीब और दिखाएंगे आपको सांगाखेड़ा में माँ नर्मदा का जल। चलिए, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर और आप देख सकते हैं इस तरह से लोग बाग स्नान करते हैं और अच्छा लगता है काफ़ी। प्रकृति की शुद्धता, अगर हम कहें कि यदि भारत में यदि कोई भी जो नदी है जिसका सबसे ज़्यादा शुद्ध जल है तो ये नर्मदा नदी है। इसका जल सबसे शुद्ध माना जाता है और चूंकि अगर एक जो समस्या है अवैध उत्खनन, उस पर यदि रोक लगा दी जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारी माँ नर्मदा है वो और भी सुरक्षित रहेगी, सुंदर रहेगी। प्रदूषण भी काफ़ी लोग करते हैं, ये तो एक सामाजिक समस्या है। ये देखो, ये बहुत प्यारा जल है, बहुत पावन जल, कंचन जल हम कह सकते हैं। और ये देखो हमारी माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं पूजा करने के लिए। इनका हमारी ये वीडियो बन रही है, एक घंटे से अब तक इनकी पूजा चल रही है। माता जी पूजा हो गई? कितनी रोड टाइम और लगे? अच्छा दिए ले दे। ये देखो ये क्या बात है। हे डॉगी, ये देखो हमारी माता जी के साथ, हमारी मम्मी के साथ, हम तो साथ में है नहीं, हम ये वीडियो बना रहे हैं, कम से कम ये साथ में खड़ा हुआ है उनकी सुरक्षा में। माँ नर्मदा के तट पर आप आएंगे तो आपको भगवान शंकर ज़रूर मिलेंगे। और एक जब भी मुझे अच्छी बात लगती है हमारी माँ की, जब भी नर्मदा नदी में आती हैं तो अपने साथ कुछ भी अन्न ज़रूर लेके आती हैं और यहाँ पर जो भी माताएँ मिलती हैं उनको ये अन्नदान करती हैं। मैं ये बता नहीं रहा हूँ लेकिन ये मुझे व्यक्तिगत उनका काम बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो वहाँ एक और दृश्य है, ये देखो ट्रैक्टर फंस गए दोनों और जो दूसरा ट्रैक्टर आया है उसको निकालने के लिए माता राम हन्ना रब दे। जब भी आए आप ये देखिए हमारा हिंदुस्तान है। नर्मदे हर माता राम। नर्मदे हर बेटा। कैसी हो? अच्छे। अच्छे हो? अच्छे। स्नान हो गो? हाँ हो गा। भोजन? भोजन नहीं कर रही है अब। भोजन करो है? हाँ कर रहे हैं बेटा। कहाँ से आई हो? हम सेमरीस। सेमरीस है? हाँ। अच्छा हम हरम हाउस पुनो आते हो? कब हुआ जात, कब नहीं भी यहाँ पे। अच्छा अब कैसे आई हो? अब घर की गाड़ी है। गाड़ी से आई हो? अच्छा अच्छा लगा था? अच्छा लगा। अच्छा तो देखिए ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पर बगैर घूंघट के या बगैर पल्लू के यदि कोई आपको महिला मिलती है तो वो तुरंत अपना सर पे पल्लू ढक लेती हैं। ये आप देख सकते हैं गैंग ऑफ यूथ यहाँ बैठी है, ये लोग भी इंजॉय करने के लिए आए हैं। छुट्टी वुट्टी हो गई स्कूल की जी? ये लोग स्कूल पढ़ते होंगे? ये लोग पढ़ते। अच्छा ये क्यों, इसका क्या नाम है छोटू का? नाम बताइए। नाम बताओ। जी साहब। ऋषभ पटेल। ऋषभ की? अच्छा ऋषभ, ऋषभ कहाँ रहता है? सेमरी हरचन। फैमिली हरचन। मजा आ रहा हूँ कि नहीं? अभी नहाएंगे जब पता चलेगा। कपड़ा ही नहीं है मैं। अच्छा तो लोकल लैंग्वेज में इसको और मौका मिलना चाहिए। क्या बात है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? शिवाय पटेल। शिवाय पटेल भैया थोड़ा सा लाइट आन दो किनारे। लाइट आन दो। अच्छा ये कौन है? शिवाय पटेल जी। इसका नाम क्या है? ऋषभ। ऋषभ दोस्त है तुम्हारा? भाई है। भाई भाई, भाई छोटा भाई का तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार। किसने लगाया टीका ये? मम्मी ने। अच्छा मम्मी ने लगाया टीका। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? KG 2। KG 2। अच्छा तो छुट्टियां हो गई स्कूल की? छुट्टी हो गई। हो गई, कैसा लग रहा हो? मजा। अच्छा अच्छा लग रहा है। अच्छा अभी कितनी देर तक ना होगी? एक घंटा। दस घंटा। पटाखे ले लिए कि नहीं? नहीं लिए। नहीं लिए अभी? ये तो बोले नहीं रहे यार ये सब कुछ। अभी ये सब हमें बचपन याद आ गया ये दृश्य देखकर। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी अपनी अपनी यारी होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भंडारा चल रहा है, भंडारे और माँ नर्मदा। इनका एक बिना भंडारे के माँ नर्मदा की जो यात्रा है वो अधूरी होती है। लोग बाग आते हैं, ऋषभ ने अपना मुंह मोड़ लिया है।
नहीं कोई बात नहीं, बच्चों को सब माफ है। अच्छा कुछ युवा भी यहाँ पर आए हैं, कैसे भैया? बढ़िया बढ़िया, ऐसे आ जाओ थोड़े से। कहाँ से आए हो आप? हम सेमरी अर्चन से। सेमरी अर्चन, हाँ। अच्छा अच्छा घाट है ये स्नान के लिए? हाँ, यहाँ इस एरिया में इस घाट पे ही ज़्यादा स्नान करते श्रद्धालु। समस्या क्या है यहाँ की? यहाँ की समस्याएं तो बहुत समस्याएं, जैसे सफाई का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, गंदगी बहुत होती है, लेडीज़ों के नहाने में दिक्कत है। जैसे त्यौहार है, कल अमावस्या के दिन रहेगी भीड़, तो उस समय समस्याएं आती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रशासन है उनको ध्यान दें। प्रशासन का ध्यान इस एरिया में कम ही रहा है। अच्छा, नर्मदा घाट पर भी नहीं, बस ध्यान तो ऐसा है प्रशासन का, जब रेत की ज़रूरत है तो प्रशासन का विशेष ध्यान है नर्मदा किनारे, नहीं तो माँ नर्मदा की ओर ध्यान नहीं है बगैर रेत के। रेत उठती है यहाँ से? हाँ उठती है, कुछ घाटों पे उठती है, यहाँ सामने इस तरफ से उठती है। अच्छा, अलग अलग घाट हैं उस तरफ। ये रायसेन जिला स्टार्ट हुआ? हाँ रायसेन। कौन सा गाँव है पीछे? ये सामने भारकच है सर। अच्छा, इधर ये है भारकच, इस गांव का नाम नहीं। अच्छा जी, क्या हो रहा है भैया, ट्रैक्टर से क्यों कुछ सीलर चल रही है? ये ट्रैक्टर धोने के लिए आए थे लेकिन रेत में फंस गया है। अच्छा रेत में फंस गया है। अच्छा तो ये क्या कर रहे हो, दूसरा ट्रैक्टर भी फंस गया? हाँ ये एक और ट्रैक्टर लेके आए हैं उसको निकालने के लिए, तो वो दोनों फंस गए। अच्छा मैं देख रहा हूँ उनको लगभग आधा एक घंटा हो गया। हाँ बड़े परेशानी हो रही है। अच्छा चलो हम उनसे ही बातचीत करेंगे, लेकिन भैया पता नहीं माइक छुड़ा के ना फेंक दे, नहीं तो कहीं एक तो हम हैरान हो रहे हैं। NVTV भैया, NVTV सर्च करो आप YouTube में, अभी सर्च करो। आलू आलू थोड़ी देने क्या जची? नहीं डालेंगे ना, बगैर डालने के लिए मेहनत थोड़ी करेंगे यार। ये देखिए थोड़ा सा प्रदूषण के ऐसे दृश्य दिख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये डॉगी 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 आराम फरमा रहे थे, हमने डिस्टर्ब कर दिया। चलो यहाँ पर एक और देख सकते हैं, पूजा चल रही है, सभी श्रद्धालु भक्त आते हैं। जब भी आप आएँ, ये हमारा एक ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र का ये अपना आनंद है। तो ये देखिए इस तरह से माँ नर्मदा को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो इन जीवों के काम आता है, और यही नहीं और भी सारे जो जीव हैं उन का पेट इससे ही भरता है। माँ नर्मदा की हम कहें कि माँ नर्मदा के किनारे माँ नर्मदा के आँचल में कोई भी आता है तो वो भूखा नहीं रहता, ये माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। जब भी आप आएंगे, एक और यहाँ की अच्छी बात ये है, जब भी आप माँ नर्मदा किनारे पर आएँ तो आपको आप भूखे नहीं जा सकते, ये मेरा दावा है। आप जब भी आएंगे माँ नर्मदा किनारे तो आपको माँ नर्मदा प्रसाद ज़रूर देगी, कुछ ना कुछ आपको खाने को ज़रूर मिलेगा। आप श्रद्धा से माँ नर्मदा से ये निवेदन करें। सत्यनारायण कथा यहाँ पर चल रही है, तो ये इस ट्रैक्टर के पास आ चुके हैं हम, जबरदस्त मेहनत में लगे हुए हैं हमारे युवा साथी, ट्रैक्टर की धुलाई करने आए थे और दूसरा ट्रैक्टर फंस गया। ये घाट बड़ा अच्छा है, मुझे ये मैं आपको बताऊँ ना पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, कितना प्लेन है, ऐसा एक गोवा वाली फीलिंग आती है। गोवा वाली फीलिंग तो कभी नहीं आएगी क्योंकि वो एक गोवा है और ये माँ नर्मदा का तट है। अपने ही शब्दों के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हम कहें बहुत प्लेन है, बहुत आप देख सकते हैं कितना प्लेन घाट है ये, एकदम प्लेन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अच्छा जी क्या कर रहे हैं तुम? दो घंटा पहले निकल क्यों नहीं रहे? ये अब वो ट्रैक्टर में ही दम नहीं है, गड्ढे में फंस गया ट्रैक्टर, हम नहाने लाए ट्रैक्टर को। अच्छा ट्रैक्टर नहाने आए थे? हाँ ट्रैक्टर के नहाने आए थे, पीछे कर रहे थे फंस गया। अच्छा ट्रैक्टर का मन ही नहीं कर रहा निकलने को? अब पता नहीं वो कब निकलेगा ट्रैक्टर। हम ट्रैक्टर को निकाल रहे हैं, अबे कौन से सो रही है ट्रैक्टर की? अच्छा हाँ लगता है एक और ट्रैक्टर मंगवाएंगे। तुम धक्का तो लगा, यहाँ खड़े हो तुम लोग? हम उनको लगाने नहीं दे रहे अभी बड़े वाले। अच्छा अच्छा न्यूज चल रही है, न्यूज चल रही है, न्यूज कौन सा न्यूज चैनल है लाइव? न्यूज 24x7 कौन से न्यूज चैनल से हो आप? है NVTV पढ़ना आता है कि नहीं? NVTV कौन से स्कूल पढ़ते हो? सेठ शंकर लाल आई हूं स्कूल शंकर लाल। अच्छा ना लिया तुम लोगों ने? अभी नहीं नहाया, ट्रैक्टर निकल जाएगा तो नहाएंगे। तो तुम तो मजे ले रहे, ट्रैक्टर कहाँ निकलवा रहे?
हमको ट्रैक्टर देखने में मजा आता है। अच्छा, जब भी हम नर्मदा जी किनारे आते थे ना पहले स्कूल के टाइम पे, तो हम लोग भयंकर डांस करते थे। तो हम डांस करेंगे थोड़ी देर से, हम करेंगे थोड़ी देर बाद। आते हैं स्कूल की छुट्टी में। हाँ संडे आते हो? आज संडे है ही नहीं। नहीं मगर छुट्टी लगी ना दिवाली, किस लिए आए हम? इसलिए आ गए।